एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका गिफ्ट सिटी गुजरात में। लास्ट टाइम जब मैं गुजरात आया था तो आप में से ज्यादातर लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई गिफ्ट सिटी का अपडेट दिखाओ। तो आज सबसे पहला अपडेट गुजरात के सीरीज से गिफ्ट सिटी से स्टार्ट करने वाला हूं और बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि क्या कुछ है ये गिफ्ट सिटी और क्या कुछ यहां पर बीते पिछले कुछ दिनों में हुआ है, क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ बन चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुजरात से सबसे पहले अपडेट के सीरीज को गिफ्ट सिटी से, जो कि यहां पर गांधीनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। ये जो गिफ्ट सिटी है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है ताकि भारत के साथ साथ दुनिया को एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंस और आईटी का हब मिले और उसी दिशा में इस गिफ्ट सिटी का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। इस गिफ्ट सिटी में 22 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया ऑलरेडी अलॉट हो चुका है कंपनियों को। 240 मिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट यहां पर आया है। तकरीबन 20,000 के आसपास अभी तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है इस गिफ्ट सिटी में और मोर देन 400 एंटिटी यहां पर ऑपरेशनल है इस गिफ्ट सिटी में। ये है दोस्तों नए भारत की नई सिटी जिसे कहते हैं गिफ्ट सिटी। क्या कुछ ये है उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जरा इस गिफ्ट सिटी में ड्राइव भी कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके जो रीटे, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, वो वाकई में नए भारत के नए सिटी की झलक पूरी तरीके से दिखती है। यहाँ पर वैसे जैसा कि मैंने आपसे कहा, फाइनेंस हब के साथ साथ टेक की भी कंपनियां आपको दिखेंगी और यूनिवर्सिटी भी ढेर सारी आपको यहां पर दिखेंगी आने वाले वक्त में। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है गिफ्ट सिटी का, क्योंकि ये गिफ्ट सिटी हमारे आपकी कल्पना से बहुत विशाल और बहुत बहुत खूबसूरत होने वाली है, जो कि हम और आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले वाला जो बिल्डिंग है, एक है SBI का, उसके बाजू वाला जो देख रहे हो ये है LIC का और ठीक उसके बगल में है टेक कंपनियों का हब, यानी कि Google और IBM का ऑफिस उसके अंदर है। इस गिफ्ट स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए कितनी ज्यादा सीरियस है गुजरात की सरकार, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वैसे तो ये जो गुजरात राज्य है ये ड्राई स्टेट है, यहाँ पर लिकर अलाउड नहीं है, लेकिन स्पेशल एग्जम्पशन देते हुए इस गिफ्ट सिटी में लिकर को अलाउ किया गया है। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर टेक कंपनी होंगी और टेक कंपनी में ऑफकोर्स जो एम्प्लॉयज होंगे वो फॉरनर्स भी होंगे, और फॉरनर के लिए भाई एक कंपलसरी चीज़ होती है जिसे हम और आप बियर कहते हैं या वाइन कहते हैं या विस्की कहते हैं। उनको अगर ये ना मिले ना तो फॉरनर तो शायद मुझे लगता है कि उस सिटी को या जगह को सेलेक्ट कभी करे ही नहीं जहाँ पर ये अलाउड नहीं हो। तो ये एक चैलेंज आ रहा था स्मार्ट सिटी को डेवलप करने में, इसको आप एज अ बैरियर समझ सकते हो, जो कि गुजरात की सरकार ने भी कहीं ना कहीं समझा और इस बैरियर को अब समाप्त कर दिया है। यानी कि गिफ्ट सिटी में जो भी एम्प्लॉय काम करेंगे उनके लिए अल्कोहल का कंजम्पशन का जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहेगा। पूरे गुजरात में तो बंद रहेगा ही, लेकिन जो सिर्फ इस सिटी में काम करेंगे उनके लिए ही ये अलाउड होगा। और ये इसलिए किया गया ताकि ये जो टेक सिटी है तेजी के साथ ग्रो हो।
जितनी ज्यादा यहाँ पर आपको बिल्डिंगें दिखेंगी जो कि बनकर तैयार हो चुकी है, उससे कहीं ज्यादा आपको दिखेगा जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एक ये भी देखोगे तो ये लीलावती हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। बहुत ही बड़ा नाम है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में लीलावती, और वही हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हो रहा है। जो ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो ना, ये उसी का है, लीलावती हॉस्पिटल का। तो यहाँ पर हॉस्पिटल भी आने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। और सामने अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर भी इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और ये एक्चुअली यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल हिस्सा देखने को मिल जाएगा। आप ये है इसका रेसिडेंशियल एरिया। वो रेड कलर की जो देख रहे हो वो क्लब हाउस है, गिफ्ट सिटी क्लब हाउस। ऐसा मत समझना कि ये जो जगहें खाली हैं ये ऐसे ही वीरान पड़ी हुई हैं, यूज़ में नहीं होने वाली हैं। भाई जितना भी हिस्सा देख रहे हो ये सब कुछ सोल्ड आउट है। ये सब कुछ किसी न किसी कंपनी ने खरीद रखा है, किसी न किसी कंपनी को बिलोंग करता है। और आने वाले वक्त में आपको इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी देखने को मिलेगा। जैसे कि लास्ट टाइम के मुकाबले अगर आप देखोगे तो बहुत सारा नया कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है, और उनमें से एक ये है। और ये ऐसा होने वाला है कुछ बनने के बाद। और इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको गिफ्ट सिटी में जो मेट्रो का काम किया जा रहा है वो भी आपको दिखेगा। मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो जो अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा गांधीनगर गुजरात में मेट्रो का काम किया जा रहा है, उसके अंतर्गत इस गिफ्ट सिटी में भी मेट्रो का स्टेशन होने वाला है, जिसका अभी आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग सभी पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। पिलर कैप का भी दोस्तों काम कंप्लीट हो चुका है, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर, इस गिफ्ट सिटी में अगर आप देखेंगे तो स्टेशन के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो कि 80% तक कंस्ट्रक्शन का काम है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर काम किया जाना है तो स्टेयर्स बनाने का जो काम है वो किया जाना है, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। कॉन्कोर्स का एरिया लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। ये जो गिफ्ट सिटी का मैंने आज आपको अपडेट दिखाया दोस्तों, इसको देखने के बाद आपको ये तो अंदाजा मिल ही गया होगा कि किस तरीके से धुलेरा स्मार्ट सिटी होने वाला है। क्योंकि धुलेरा स्मार्ट सिटी साइज में इससे बहुत बड़ा है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होने वाला है धुलेरा स्मार्ट सिटी का। धुलेरा स्मार्ट सिटी का भी अपडेट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी बात हम धुलेरा स्मार्ट सिटी के वीडियो में करेंगे। तो ये था अपडेट गांधीनगर गुजरात से, गिफ्ट सिटी का अपडेट, जो कि अपने नए भारत का नया शहर बनाया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में गुजरात से और भी अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और भाई लाइक कर देना इस वीडियो को, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जल्द ही मिलता हूँ, अपना ख्याल रखना।